सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजे बायोलॉजी। ओके दोस्तों, हम देख रहे थे एमएचटी सीईटी 2022 का फ्री क्रैश कोर्स, जिसका मैंने आपको इनहेरिटेंसेस एंड वेरिएशन ये जो चैप्टर है, इसका मैंने आपको इसका वन शॉट वीडियो, इसके बेसिक एमसीक्यू, इसके थोड़े हार्ड एमसीक्यू, इसके मैंने आपको जो आपके जो सॉल्विंग एमसीक्यूज होते हैं वो लिए मैंने आपके आपको कि अभी इस लेक्चर के अंदर मैं आपको दोस्तों इस चैप्टर के आपको पीवाईक्यू प्रोवाइड करने वाला, मतलब पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ओके तो वो आपको इस लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। ओके तो दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज के देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू क्या है। देखो दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू ऐसा है हमारा, द होलेंड्रिक जीन इज नोन एज हाइपर ट्राइकोरेसिस। ओके मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मतलब जो होलेंड्रिक जीन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपर ट्राइकोरेसिस जीन बोलते हैं। ओके दैट इज उनके अंदर क्या होते हैं दोस्तों, लॉन्ग हेयर ऑन ईयर, मतलब जो उनके ईयर्स होते हैं, ओके आपको पता है कान, ओके उसके ऊपर हेयर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत ही लंबे लंबे हेयर आ जाते हैं उसके ऊपर। ओके व्हेन अ मैन विथ हेयरी ईयर्स, मतलब हेयरी ईयर्स मैरिज विथ नॉर्मल हुए, मतलब जो मेन होता है तो उसके उसको अगर डिसीज हुआ है, ओके हेयरी ईयर के मतलब उसके कान के ऊपर ज्यादा बाल सते, उसका अगर उसे डिसीज हुआ है, अगर उसने मतलब नॉर्मल वुमेन के साथ शादी की तो उसके जो परसेंटेज होगा देयर डॉटर, मतलब जो उनके होने वाले जो डॉटर होगी उसके अंदर कितने परसेंट ऑफ ये जो डिसीज है हेयरी ईयर्स का नाम का जो डिसीज है वो कितने परसेंट होगा। ओके दोस्तों, वो दोस्तों मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होता है दोस्तों। देखो दोस्तों, थोड़ा हम ऊपर जाते हैं और देखते हैं। देखो दोस्तों, ये यहाँ पे बोल रहे हैं जो मेल मैन होता है, मैन के अंदर कौन से क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल के अंदर एक्स और एक्स होते हैं। ओके आपको पता है। ओके दोस्तों, ये बोल रहे हैं कि डॉटर की उनकी जो होने वाली डॉटर है उसके अंदर इसके कितने परसेंट इनके हेयरी ईयर्स जो उनके कान के ऊपर ईयर आते हैं वो उसका डिसीज कितने परसेंट आएगा डॉटर के अंदर दोस्तों, वो आपको देखो दोस्तों, जब मेल की तरफ से अगर मतलब जो डॉटर होने वाली तो उसकी उसके अंदर कौन सा जाएगा आपका, मतलब क्रोमोसोम कौन सा जाएगा, वाई तो नहीं जा सकता, वाई तो मतलब किसके अंदर जाता है, जो अगर वाई अगर गया, ओके तो वाई अगर इसके साथ फ्यूज हुआ है, ओके मतलब इसके साथ वो क्रॉस हो गया तो क्या फॉर्म होगा आपका, बॉय फॉर्म होगा, दैट इज लड़का फॉर्म होगा ना। ओके तो अगर एक्स फॉर्म हुआ तो डॉटर फॉर्म होगी, इन्होंने क्या बोला हमें डॉटर फॉर्म हो रही, तो डॉटर के अंदर कितने परसेंट ऑफ मतलब उसकी जो है डिसीज वो आएगा, तो वो 0% आएगा, क्योंकि जो भी मेल के अंदर जो भी डिसीज प्रेजेंट होते हैं वो आपके वाई क्रोमोसोम के अंदर होते हैं। ओके तो वाई क्रोमोसोम के अंदर उसका डिसीज है, एक्स क्रोमोसोम के अंदर कुछ नहीं, तो अगर एक्स एक्स और एक्स के मतलब एक्स मेल क्या एक्स और फीमेल के दो एक्स इसके अगर फॉर्म मतलब उसके अगर क्रॉस होगा तो वो फॉर्म क्या करेगा, गर्ल मतलब डॉटर फॉर्म करेगी, तो उसके अंदर 0% ऑफ वो डिसीज प्रेजेंट होगा। ओके तो आपको इसका आंसर भी समझ में आएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका बी राइट ऑप्शन है। ओके समझ ले, आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, ओके दोस्तों ये 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, टू डिटरमाइन वेदर F1 हाइब्रिड इज होमोजाइगस, F1 हाइब्रिड क्या है, होमोजाइगस दैट इज, ओके मतलब होमोजाइगस और हेटरोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ओके ये बोल रहे फॉर पर्टिकुलर ट्रेट, उनके अंदर कौन सा क्रॉस परफॉर्म होगा, ओके मतलब होमोजाइगस क्रॉस विद होमोजाइगस क्रॉस विद हेटेरोजाइगस, ओके मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं, तो इनके अंदर कौन सा क्रॉस प्रेजेंट होगा दोस्तों, उनके अंदर क्रॉस होगा, टेस्ट क्रॉस होगा उनके अंदर। ओके तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओके दोस्तों ये देखो एक क्वेश्चन इनके अंदर थोड़ा कुछ दिया है, MHTC 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी मतलब थोड़ा रॉन्ग हुआ है यहाँ पे, समझ लेना, तो 2019 है यहाँ पे। ओके इसका क्वेश्चन क्या है, व्हेन टू होमोजाइगस प्लांट्स विथ रेड एंड व्हाइट फ्लावर, मतलब ये बोले दो होमोजाइगस प्लांट्स हैं उनके अंदर एक रेड है और एक व्हाइट है, ओके अगर हम उसे क्रॉस करेंगे देयर ऑफस्प्रिंग शोज पिंक फ्लावर, अगर उनका हम क्रॉस करें तो क्या फॉर्म होगा, वो जो ऑफस्प्रिंग होगा कौन सा कलर का फॉर्म होगा, तो होगा पिंक कलर का होगा। ओके दिस इंडिकेट्स दैट द एलील्स ऑफ अ जीन फॉर द फ्लावर कलर शो, मतलब जो क्या करते हैं इंडिकेट्स करते हैं एलील्स कलर ऑफ, मतलब जो यहाँ पे बोल रहे हैं हमें एलील्स कलर ऑफ हमें मतलब सी करना है, ओके मतलब फ्लावर शोन करना है हम यहाँ पे। ओके दोस्तों ये बोल रहे हैं कौन सा डोमिनेंस यहाँ पे यूज होगा आपके लिए, ओके देखो डोमिनेंस बोला है दोस्तों, यहाँ पे तीन टाइप ऑफ डोमिनेंस है, इपीथेसिस का कोई समझ मतलब पॉइंट नहीं आता यहाँ पे, तो इन तीन में से आपको कौन सा ऑप्शन है आपको चूज करना है। ओके दोस्तों आपका राइट ऑप्शन होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर ही जो मतलब ऐसा क्रॉस होता है रेड टू व्हाइट ऐसा क्रॉस होता है, बाद में उनका पिंक फ्लावर होता है, ओके मतलब बाद में उसका अलील्स का हम मतलब फॉर्म कर सकते हैं, उसका राइट ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, ओके ये 2017 और 2014 में एक क्वेश्चन पूछे गए थे दो, ओके फर्स्ट आपका, ओके द डैश इज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, मतलब नीचे देगा ऐसा कौन सा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, नीचे देगा ऐसा क्या है, मतलब ऐसा कौन सा मतलब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम ये सब है, इनके अंदर ऐसा कौन सा है जो आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ओके प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है क्रोमोसोम के अंदर, तो वो क्या दोस्तों आपका वो होता है सेंट्रोमियर, आपका राइट ऑप्शन क्या हो डी राइट ऑप्शन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ऐसा हमारा, द क्रोमोसोम विथ द सेंट्रोमियर नियर द एंड, मतलब जो क्रोमोसोम है उसके नियर मतलब बहुत ही लास्ट के अंदर उसका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है, हम उसे क्या कह रहे हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था। देखो दोस्तों ये ऐसा बोल रहे हैं हमें, देखो दोस्तों ऐसा एक क्रोमोसोम है, देखो
ऐसा एक, यहाँ पे ऐसा एक क्रोमजोम है, यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर है और यहाँ पे ऐसा एक क्रोमजोम है, ओके आप समझ लो थोड़ा सा। ओके तो ये बोल रहे हैं ऐसा एक क्रोमजोम, इसका एक कौन सा शेप फॉर्म होगा दोस्तों, पहले हम शेप चेक करते हैं, क्योंकि अगर हम शेप चेक करेंगे बाद में हमें इसका टाइप पता चलेगा। ओके दोस्तों हम चेक करते हैं दोस्तों, ये शेप फॉर्म हो रहा है आपका जे शेप फॉर्म हो रहा है आपको दोस्तों। क्या फॉर्म हो रहा है आपका? जे शेप फॉर्म हो रहा है, मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब यहाँ पे सेंट्रोमियर है, यहाँ पे सेंट्रोमियर प्रेजेंट, समझो एक क्रोमोसोम है और यहाँ पे आपका सेंट्रोमियर प्रेजेंट है दोस्तों, ये जे शेप फॉर्म हो रहा है। ओके दोस्तों अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे और यहाँ पे होता तो वो क्या होता दोस्तों, आपका एल शेप फॉर्म होता, क्योंकि थोड़ा सा मतलब बड़ा हो जाता है यहाँ पे। ओके आपको समझ आएगा, ये जे शेप देखो मेन पॉइंट है हमारे यहाँ पे, जे शेप कौन सा टाइप, जे शेप कौन सा टाइप होता है दोस्तों, जे शेप होता है आपका एक्रोसेंट्रिक। क्या दोस्तों आपका एक्रोसेंट्रिक राइट ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, लिंकेज ग्रुप कैन बी सेपरेटेड ड्यूरिंग डैश इन मियोसिस। लिंकेज ग्रुप होता है वो सेपरेट होता है, मतलब किसकी वजह से सेपरेट होता है, मियोसिस के अंदर। ओके दोस्तों इनका ऐसा क्वेश्चन है। ओके दोस्तों वो होता है आपका क्रॉसिंग ओवर की मदद से आपका लिंकेज ग्रुप सेपरेट होता है इन मियोसिस के अंदर। ओके आपको राइट ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन हनी बी इज, मतलब जो जो हनी बी होती है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ लिंकेज प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों वो कितने दोस्तों, मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर मैंने बताया था दोस्तों, वो होते हैं आपके 16 लिंकेज प्रेजेंट होते हैं हनी बीज के अंदर। ओके आपका राइट ऑप्शन है 16, ए राइट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट सेक्स लिंकेज, मतलब नीचे देखे ऐसा कौन सा एग्जाम्पल सेक्स लिंकेज के रिलेटेड नहीं है। ओके इनके ऐसे क्वेश्चन है, ओके हम इसे चेक करते हैं दोस्तों। अभी क्या दिया हमने, टोटल कर्ल बाइंडनेस आपको पता है, ये तो आपके मतलब सेक्स लिंकेज के अंदर वो आता ही आपको पता है। ओके ये मतलब मेन पॉइंट, इसके ऊपर हमने बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व किए थे पिछले लेक्चर में। सेकंड दोस्तों आपका क्या है, रेटिनिट्स पिगमेंटोसा। ओके रेटिनिट्स पिगमेंटोसा ये भी है आपके बुक के अंदर, मैंने पढ़ा था। ओके एमसीक्यू ने लिया फिलहाल हमने इसके ऊपर, बट हम लेंगे ओके बाद में, अगर कुछ लेक्चर्स हमें मतलब लेंगे बाद में, बाकी के लिए बाद में लेक्चर। ओके दोस्तों आपको ये है इसका, ये तो आपके है इसके अंदर। सेकंड दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है, नेफ्रिटिस। ओके नेफ्रिटिस ये भी आपके मतलब बुक के अंदर मैंने पढ़ा था, उसके अंदर भी ये है आपका। ओके सेक्स लिंकेज के अंदर ये आता है। सेकंड दोस्तों ये आप कह दिए हमारे मायोपिया। देखो मायोपिया क्या है, क्या है मतलब ये मतलब नहीं आता आपके बुक के अंदर, मतलब आपके सेक्स लिंकेज के अंदर नहीं आता। ओके तो आपका मतलब राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हुआ, डी ऑप्शन राइट हुआ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, बहुत ही मतलब बहुत ही सिंपल, देखो पहले मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया दोस्तों, आप कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ सकते हो, क्योंकि देखो 2017 और 2019 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके आप समझ सकते हो मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए दो बार पूछा गया था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस इन F1 जनरेशन। मतलब ये दोस्तों ये क्वेश्चन इससे इजी क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में, आपके मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी में भी अंदर इतना इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन दोस्तों है, क्योंकि इन्होंने हमें आंसर फाइंड करके दिया है खुद ही। ओके मतलब हमें फाइंड करने की जरूरत भी नहीं, सिर्फ हमें गेस करना, मतलब हमें सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ओके यहाँ पे देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं कैसे, देखो इन्होंने क्रॉस करके दिया हमें इन्होंने बोला है यहाँ पे पैरेंट दिया, यहाँ पे पैरेंट दिया, यहाँ पे गैमेट दिया। ओके अगर हम x रेस्ट टू कैपिटल एच और इसको क्रॉस करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, हमें मिलेगा x रेस्ट टू स्मॉल h रेस्ट टू x रेस्ट टू कैपिटल एच। ओके दोस्तों यहाँ पे पहले ही बार में देख लो यहाँ पे कहाँ पे x रेस्ट टू स्मॉल h है का, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है कि यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे हमें लास्ट में x रेस्ट टू स्मॉल h x रेस्ट टू कैपिटल एच दिया है हमें यहाँ पे। ओके सेकंड अगर हम x रेस्ट टू स्मॉल h का अगर हम इसके साथ क्रॉस करेंगे x रेस्ट टू कैपिटल एच को, तो यहाँ पे हमें ऐसा मिलेगा। ओके तो देखो इसका राइट ऑप्शन यही है आपका, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन था आपको। ओके तो इसको टिक मार कर देना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ऐसा है, ओके पिकॉक शोज इन फॉलोइंग जीनोटाइप्स, मतलब पिकॉक जो होता है वो नीचे देगा ऐसे कौन से जीनोटाइप शोज करता है इनका, ऐसा क्वेश्चन। ओके तो पिकॉक दोस्तों मैंने आपको वन शॉट वीडियो के अंदर बताया था, पिकॉक शो करते हैं आपका Z जीनोटाइप शो करते हैं आपका पिकॉक। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि आप देखो ये जो ऐसे जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन हमारे बायो के अंदर ऐसे जिनको हमें डायरेक्टली रट्टा मारना पड़ता है, क्योंकि उनके अंदर कुछ कंसेप्ट नहीं होता ना, मतलब इनके अंदर कंसेप्ट है, बहुत बड़ी कंसेप्ट है पिकॉक के अंदर। ओके पर ये इनकी इतनी बड़ी कंसेप्ट ध्यान रखने से अच्छा आप डायरेक्टली लर्न कर लो डायरेक्टली, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन आपको पता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के अंदर हमें इतना सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, अगर सिर्फ स्मॉल अगर ध्यान में पिकॉक शो क्या कौन से शो करता है, जो टाइप शो करता है, पीकॉक को करता है आपका Z करता है, आपको इसको याद रखने की जरूरत है। ओके मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे इस लेक्चर का, ओके एन एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन, मतलब एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम किसके अंदर प्रेजेंट होते, नीचे दिए गए ऐसे कौन से डिसऑर्डर के अंदर एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते, तो वो मैंने आपको बताया था दोस्तों, वो होते आपका लाइन फिल्टर सिंड्रोम के अंदर आपके कितने एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। ओके तो आपका यहां पे राइट ऑप्शन सी हुआ। ओके दोस्तों यहाँ पे हमारा जो इस चैप्टर का जो मतलब सब कुछ मैंने आज अब तक सब कुछ पढ़ा दिया है मैंने आपको दोस्तों, इस चैप्टर का ये लास्ट लेक्चर था, इसके बाद हम डायरेक्टली हमारे नेक्स्ट चैप्टर के जाएंगे, वो नेक्स्ट कौन सा दोस्तों हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर है हमारा, उसका मैं वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगा, बाद में आगे सब कुछ प्रोसेस आएगा, मतलब आगे की बाकी सब वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओके
दोस्तों अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही हमारे जो यूनिक यूनिक जो वीडियो है हमारे आते रहेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे एमएसटी सीट से रिलेटेड। दोस्तों बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं हमें डायरेक्टली इसके वन शॉट वीडियो के लेक्चर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के। तो बाय फ्रेंड्स।